अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे देखना चाहते हो तो बेल बटन को भी दबाना ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैसे हो? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। एक बार फिर से मेरे चैनल पंपीज ड्रीम्स में आपका सबका स्वागत है, दिल से स्वागत। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, अच्छे रहना, हेल्दी रहना, एकदम एनर्जी के साथ रहना। और सुबह सुबह पूरा काम हो जाने से सबको कितना खुशी मिलता है उतना खुशी आज मुझे हो रहा है, क्योंकि आज लगभग काम मैं कंप्लीट कर लिया। 10:30 तक हो गया मेरा काम पूरा। अभी मैं करूँगी नाश्ता। नाश्ता तो सुबह बना के रखी थी, गुड्डू का स्कूल है तो सुबह सुबह थोड़ा सा भागदौड़ी रहता है, तो स्कूल को गुड्डू को छोड़ के आके पूरा एकदम काम कर लिया एनर्जी के साथ चाय पी के। अभी नाश्ता करने के बाद एक बार चाय पीऊँगी, फिर गुड्डू को जाना लेने जाना है क्योंकि 12 बजे उसका आज छुट्टी है। तो चलो रहो मेरे साथ, देखो मेरे साथ, चलो नाश्ता कर लेते हैं ना। नाश्ता तो रेडी है, अभी चाय बनाऊँगी और नाश्ता करेंगे। तो चलो आ जाओ मेरे साथ किचन में। आप लोगों को शायद किसी किसी का हो गया होगा नाश्ता, है ना। नहा के पूजा करने के बाद देखना नाश्ता करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डेली नहीं होता। कभी कभी सोचती हूँ पूरा करके नाश्ता करूँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिस दिन जैसा होता उस दिन ऐसा ही मैं करती हूँ। तो आज तो पूजा करके ही कर रही हूँ क्योंकि हो गया, हो जाने से कर लेती हूँ। जिस दिन नहीं होता उस दिन अलग बात है, क्योंकि हर दिन एक ही तरह से नहीं चलता, डेली अलग अलग हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, रहो मेरे साथ, देखो मेरे साथ, एक नया ब्लॉग में फिर से दोबारा आपके सामने आ गई हूँ मैं, है ना। चलो, और ये मेरा नाश्ता जा रहा है, पराठा और आलू भुजी। पहले मेरा नाश्ता लेके बैठ गई टेबल में, आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी आज। पहले जैसे अभी भी मुझे ना अकेला, पिछले ब्लॉग में भी शायद मैं बताई होगी आप लोगों से, क्योंकि मुझे अकेला नाश्ता करने अच्छा नहीं लगता। टीवी चलाती हूँ नहीं तो कुछ मोबाइल्स देखती हूँ तो ही करती हूँ। अभी मेरा एक ऑप्शन आ गया आपसे बात करना और नाश्ता करना, है ना। तो नाश्ता तो दिखाई दिया, पराठा आलू भुजी बहुत अच्छा लगता है, पराठा के साथ पूरी के साथ आलू फ्राई बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अभी आपसे बात करने से मुझे लगता है नहीं कोई है मेरे साथ, मैं उससे बात कर सकती हूँ, है ना, अच्छा भी लगता है।
और मैं कॉफ़ी बनाने आ गई क्योंकि मुझे कॉफ़ी खाने का मन हो रहा है। तो मैं सोची थी चाय पीऊँगी, फिर मैंने बोला नहीं दूध है, कल ना गुड्डू दूध नहीं पी थी तो अभी है दूध तो उसी दूध से बना लेती हूँ कॉफ़ी। और नीचे चीनी है, मैं भी कॉफ़ी, मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इधर मेरा अंडे भी बॉयल हो गया, अभी जा रही हूँ मैं गुड्डू को लाने, कपड़ा धोने में रखी थी लेकिन करंट चला गया। और जाजी एक ही मसाला से दो आइटम बनाऊंगी मैं, एक साथ मसाला बना लिया। और अभी बनाऊंगी डिमेज झाल, बंगाली में बोलते हैं कि वो ऐसे बनाएंगे, एक साथ मिक्स करके चढ़ा देंगे तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो फर्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी मसाला, प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च टमाटर एक साथ मैं पेस्ट कर लिया, ये डालेंगे। अभी हल्दी, रेड चिली पाउडर और जो मैं जीरा पाउडर बना के रखी थी वही डालूंगी थोड़ा सा। और सबसे इम्पोर्टेंट है मस्टर्ड ऑयल, नमक, चीनी। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे हाथ में से, अच्छे से, इसमें पानी नहीं जाएगा बिल्कुल। और पहले से मैं अंडा बॉईल करके रखी, अंडे को ऐसे ऐसे करके मैं काट देंगे चारों तरफ, ये तो काटने का जरूरत नहीं, एक अंडा देखना ऐसा होगा डेंजरस। अभी गैस ऑन करके गैस को बिल्कुल सिम पे रखना, फिर इसको चला के अभी ढक्कन लगा देंगे। और अभी ढक्कन खोल के देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है एकदम पूरा, थोड़ा सा मतलब ठीक वाला बर्तन में बनाना, मतलब थोड़ा सा बर्तन मोटा होना चाहिए क्योंकि इसमें पानी नहीं जाएगा ना, तो ऐसे ही फ्राई होगा। आप चाहे तो ऊपर से हल्का सा पानी दे भी सकते हो, ऐसे हाथ में थोड़ा सा लेके ऐसे साइड से, बस इतना ही जाएगा इसमें। और ये देखिए मेरा पूरा बन के तैयार डिमेट झाल बोलते हैं इसको, आप ऊपर से मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हो, मैं मस्टर्ड ऑयल नहीं डाला, ये एकदम सूखा सूखा बहुत अच्छा लगता है। अभी गैस बंद, बस ढक्कन लगा देंगे। पहले वो जो अंडा का झाल बनाया डिमेट झाल वो खा के देखेंगे, एक नंबर, घर में पककर ट्राई करना, बहुत अच्छा। और बनाई एक तरी वाला सब्जी, बस दो चीज़ बनाई आज, आलू फ्राई, बहुत अच्छा एकदम, एक नंबर गुड्डू। और अभी शाम हो गया, शाम को चाय लेके बैठ गई, अभी पी रही हूँ चाय, मिल्क वाला टी, उसके बाद बनाऊंगी सिद्ध पीठे। तो थोड़ा सा चाय पीने के बाद बनाएंगे सिद्ध पीठे, है ना। और इधर मैं गर्म पानी चढ़ा दिया, ये हो के ना बड़ा मुझे आसान हुआ है, फटाफट पानी डालो और स्विच लगा दो। और पहले मैं पानी चढ़ा देती हूँ क्योंकि ये ना स्टीम में होगा मोमो जैसा, तो पहले पानी मैं इसमें डाल दूँ, पानी बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इधर मैं ये गूंद लेंगे गर्म पानी से। और इधर पूप डालने के लिए स्वीट, और इसमें मैं अच्छे से आटा गूंद लिया एकदम बारीक करके, मतलब गर्म पानी से दो ना तो बहुत अच्छा होता है। अभी जो नॉर्मल है ऐसे करके, जैसे पुली पीठा बनाया था सेम ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके लेके अभी मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और तब तक पानी गर्म भी हो गया और इसमें बनता है ये देखो चारों तरफ जैसे जाली जाली है, तो इसको मैं इधर ऐसे चला देंगे, फिर एक एक करके बनाएंगे और इसके ऊपर देते जाएंगे। ये गुड्डू को बहुत पसंद है, लेकिन कुछ दिन से टाइम नहीं हो रहा है, मौका भी नहीं हो रहा है, तो नहीं कर पा रही थी। तो मैं बोला नहीं सर्दी चला जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर इसमें थोड़ा सा ज्यादा करके पूड़ डालो, क्योंकि ज्यादा पूड़ नहीं डालोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर ऐसे करके बंद कर दो, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूड़ डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर इतना मजा नहीं आएगा।
अभी देखिए इस पे से जो पानी का भाप है वो आने लगा। अभी मैं एक एक करके इसके ऊपर ये पीठा जो बनाया है मैं ऐसे ऐसे करके रख देंगे। मोमो का तरह ही है, स्टीम में ही बनेगा, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे करके एक एक करके डाल देंगे, फिर ना ऐसे करके ढक्कन लगा देंगे, बहुत सॉफ्ट होगा। और अभी मैं ढक्कन खोल के देखेंगे, ये देखो पूरा अच्छे से स्टीम हो गया। अभी एक एक करके मैं ऐसे करके पलट देंगे, बहुत नरम हुआ है बहुत। और ऐसे करके बनाओ ना तो नरम बड़ा अच्छा होता है, ऐसे करके पूरा ओह एकदम सॉफ्ट हो गया। Life is happy but it's so sad. We must merely make a start. Savannah,